माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी हूँ। तो आज है संडे और हमने पहली बार गणेश लाए बिना, मतलब हमने कोई पंडित को नहीं बुलाया था, तो फिल्टर लगा हुआ था फ़ोन में। तो अभी हम खुद ही हमने पूजा करी थी, तो आज हम विसर्जन कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज मैं छोटा सा ब्लॉग बनाऊँगी तो इसलिए पूरा देखना। तो चलो आज आपको दिखाते हैं। आज हमारी काव्य जी खा रही है एप्पल और अभी पूजा हमने करी नहीं है, अभी हमें पूजा करनी है। वो काफ़ी सारा सामान आ गया है पूजा का, और ये फूल वगैरह है, पान के पत्ते, और स्वीट हमने मंगाई है थोड़ी सी, और जैसे थोड़ी बहुत सब्जी भी ले आए। फल है पांच, तो ये पांच फल हम खुद ही कर रहे हैं, पहली बार है, और ये तो हमारे घर का ही सामान है। मैंने लोगों को देखा है बहुत अच्छे से करते हैं, होली खेलते हुए जाते हैं, बट नहीं पता। और हमारे लिए श्रद्धा ही हमारे लिए भगवान है, और मुझे लगा कि हाँ इस वक्त गणेशा घर में आए हैं, फूल लगा रहे हैं, इन सब में काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। और यही सोच के हम कई बार गणेशा नहीं लाते हैं, तो हम घर में भी गणेशा ला सकते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए। और भगवान सबके हैं, यूनिवर्स सबका है। तो चलिए आज मैं तैयारी करके आपको मिलती हूँ। तो हमने मंदिर वगैरह क्लीन कर दिया था, काव्य भी नहा चुके हैं, क्योंकि सुबह ना रात को आजकल ये 5 बजे सो जाती है, मतलब 5 भी नहीं 3 बजे सोती है, तो अगले दिन ही उठती कई बार, तब थक जाती है स्कूल में। तो मैंने इसे सुबह सुबह एप्पल दे दिया था, वीकनेस फील हो रही थी इसको, तो अब इसको मैंने नहला दिया। तो ये भगवान का जो श्रृंगार है ना, ये काव्य ही करती है, मतलब मेरे को करने भी नहीं देती। लाइक लड्डू चढ़ाना भगवान जी को, मंदिर में फ्लावर लगाना, ये काव्य को ही अच्छा लगता है। तो दुआ वगैरह हमने सब चढ़ा दिया है, बेल के पत्ते भी मैं ले आई थी, और काव्य आप सबको, सभी भगवानों को स्वीट्स खिला रही है, भोग लगा रही है। तो हमने इतने नियम से नहीं किया, और पप्पा इस बार चमत्कार है कि हमारे पास आए, हमारे घर आए, तो हम बहुत श्रद्धा से कर रहे हैं, ज्यादा नियम नहीं कर रहे, बस मन में हमारे लिए श्रद्धा है। और पप्पा के आने से घर में बड़ा खुशनुमा वातावरण हो गया है, काव्य पूजा करती है जो हमें देख के अच्छा लगता है। तो हमने पूजा कर ली है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं पप्पा। विसर्जन की विधि नहीं पता, थोड़ा यूट्यूब पे देख लेते हैं फिर करते हैं। गेरी मुझे दिखाओ। अच्छा लड्डू खा, तो बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अब कहीं और, क्योंकि विसर्जन हम गेरी शॉपिंग करने जा रहे हैं, पिंक साड़ी। ब्रेकफास्ट बाहर कर रहे हैं, पहले से डिसाइड था कि आज संडे है, बाहर खाएंगे, बाहर करने आए हैं क्योंकि विसर्जन करना था, तो उसके बाद हम खाने आते। और अब कल करेंगे तो आपको पूरा दिखाएंगे। और काव्य सुपर एक्साइटेड, उसको शॉपिंग, उसको लग रहा है वो शॉपिंग करने जा रही है, तो आपको ब्लॉग पूरा दिखाएंगे। तो वी आर कमिंग हेयर फॉर ब्रेकफास्ट। तो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो मॉर्निंग के टाइम छोले भटूरे ही थे, तो हम वही खा रहे हैं। और अब हम आए हैं मॉल, क्योंकि आज काव्य के डैडी का मन था काव्य को कुछ ट्रीट देने का। मैंने कहा कि किसी पार्क वार्क चल देते हैं जहाँ पे कम बजट हो, बट वो माने। यहाँ पे आके मुझे ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि इसके साथ काव्य घर मुझे जाना पड़ता, जिसका मुझे फी पे करना था लाइक 450 रुपये। तो मैंने कहा यहाँ से जंपिंग करनी है, सच्चा तो कहीं और चल लेते, तो हम दूसरी जगह जा रहे हैं, और यहाँ पे तो इतनी सी देर के 50 रुपये पार्किंग देनी पड़ी, जो मुझे बड़ा गुस्सा है कि आप ऐसी जगह ले आते हो, मुझसे डिस्कस तो कर लेते। क्योंकि कहते गर्मी थी, तो इसलिए मैं वैसे पार्क में ले जा रहा हूँ ओपन वाले। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह, तो ये इस तरह का था, यहाँ से जंपिंग करनी थी, काफी क्या एंजॉय करती। और आज हमने विसर्जन नहीं किया, क्योंकि गूगल किया था हमने, तो पता चला कि 6ठे दिन नहीं करते, तो अब हम 9 दिन पूरा करके करेंगे विसर्जन। तो मैं आपको ब्लॉग, शॉर्ट ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से हमने विसर्जन किया। तो दूसरे मॉल आए जो हमारे घर के नियर है, लाइक वॉकिंग भी आ सकते इतना नियर है। यहाँ मैंने प्ले डेट एक जगह देखी थी, जो अंदर से बहुत एडवेंचरस है, काफी अच्छा है, बट यहाँ पे एक चीज थी कि पेरेंट्स को मना कर दिया था, तो काफी स्पेशल नीड चाइल्ड है, तो मुझे ठीक नहीं लगा। तो अब हम आए हैं ये हैमलेस, तो यार 750 का जो टिकट था उसमें 1 मंथ तक चलता, तो हमने 750 वाला लिया, जिसमें आप डेली आके राइड ले सकते हो, और अनलिमिटेड 2 टाइप के टिकट थे। अगर आप 1 डे 1 के लिए लेते हो तो 300 रुपए का है, 350 कुछ का है, उससे 1 आवर। तो काव्य ने 2 घंटे एंजॉय किया, उसके बाद हम घर आ गए। और यहाँ पे प्राइस मैंने, मतलब नॉर्मली बहुत महंगे थे, लाइक स्केच पेन जो मैंने अभी डॉम्स का खरीदा 200 का, यहाँ पे 2700 का था, वो बोले अंदर टी शर्ट भी है। तो ये रिलायंस का है, काफी एक्सपेंसिव है, रिलायंस ने खरीद लिया ये। और ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि इन्होंने एक प्ले जोन बनाया हुआ है, बच्चे यहाँ खेलते हैं, फिर उन्हें टॉय चाहिए होता है और वो लेते हैं।
भाई इसकी क्वालिटी अच्छी थी बट बहुत एक्सपेंसिव था। इसका मैं वीडियो मैं दूसरे चैनल पे डिटेल में डाल चुकी हूँ, आप चाहो तो काव्या एंड मम्मी चैनल पे आके डिटेल वीडियो देख सकते। और मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती थी इसलिए मैंने क्लिप्स ही डाली है छोटी छोटी, और क्योंकि आप लोग आजकल व्यूज ही नहीं आते चैनल पे तो मन नहीं करता डिटेल वीडियो बनाने का, मतलब बहुत ही लिमिटेड व्यूज आते हैं। तो आप लोग अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो प्लीज सजेशन दीजिए किस टाइप के आपको ब्लॉग्स देखने हैं, हम रेगुलर वीडियो डाले नहीं डाले, मुझे पता भी तो चलेगा ना कि आप कौन कौन है जो मेरा वीडियो देखते हैं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको खुश रखने की। पहले मैं रेगुलर डालती थी, जब अब व्यूज नहीं आते तो रेगुलर वीडियो डालना मैंने बंद कर दिया। बहुत और अब हम घर जा रहे हैं, मेरी तो बैटरी डाउन हो गई क्योंकि काव्या के साथ मुझे जाना पड़ता है हर जगह, और 2 घंटे भाग दौड़ करके बहुत थके थे। अब हम कुछ खा रहे हैं और उसके बाद घर जाएंगे, और आपको अगर घूमना तो हम भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स अब हमारा हो गया है, अब खाने खाए हैं रेस्टोरेंट में, अब वीडियो एंड करती हूँ, बहुत अच्छी जगह है, अच्छा लगा है वीडियो से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाय।